आज मैं लेकर आई हूँ हमारे घर के नन्हे मुन्ने छोटे बेबी के लिए हेल्दी ओइडगेन रेसिपी। नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ उत्तराखंड से और मैं बनाती हूँ बेबी के लिए हेल्दी फूड रेसिपी। आज का रेसिपी उन बेबी के लिए है जो बेबी खाते हैं फिर भी उनका वजन नहीं बढ़ रहा है। आपको लगता है कि मैं तो अच्छा खाना दे रही हूँ फिर भी बेबी का वजन क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए। बेबी का वजन बढ़ाने में तेजी से मदद करेगा और हेल्दी तरीके से बेबी का वजन भी बढ़ाता है। तो जो बेबी बार बार उठते हैं उनके लिए भी ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। काफ़ी देर तक बेबी का पेट को भरा रखता है और बेबी को एक्टिव रखता है। सारे चीज़ों से भरपूर्ण ये रेसिपी है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, बेबी के लिए अच्छी नींद देता है। तो आप रेसिपी ये अपने बेबी को बना के खिलाइए, आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। बेबी 1 ईयर कंप्लीट हैं तो आप ये रेसिपी हफ्ते में 4 बार दे सकते हैं। अगर बेबी छोटे हैं तो आप हफ्ते में ये रेसिपी 2 से 3 बार दे सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 2 खजूर। खजूर बेबी के वेट गेन में तेज़ी से हेल्प करता है, तो मैंने लिया है यहाँ पर 2 खजूर। खजूर को मैंने 1 कटोरी में रख दिया। और मैंने यहाँ पर लिया है 1 कटोरी में पोहा। पोहा मैंने 3 चम्मच लिया है, देख सकते हैं। अगर बेबी खा सकते हैं तो आप 3 चम्मच डालिए, अगर बेबी नहीं खा सकते हैं तो आप थोड़ा भी डाल सकते हैं। पोहा मैंने यहाँ पर 3 चम्मच लिया है 1 कटोरी में। अब हम दोनों चीज़ों को भिगोने के लिए रख देंगे। मैंने दोनों चीज़ों में पानी डाल दिया है, देख सकते हैं, जो हमारा खजूर है उसमें भी और पोहा में भी। अब हम इसको 15 से 20 मिनट तक भिगोने के लिए रख देंगे। मैंने पोहा को अच्छे से एक से दो बार धो के तभी मैंने पोहा को भिगोने के लिए रख दिया था। और मैंने एक सेब लिया है, पूरा सेब नहीं खा पाएंगे बेबी तो हम थोड़ा ही सेब लेंगे। और जो पोहा में पानी था वो पानी को मैंने निकाल दिया है, देख सकते हैं। और जो खजूर था उसका बीज को भी मैंने निकाल दिया है। ये हमारा जो खजूर था और पोहा था ये अच्छे से भीग चुका है। उसके बाद मैंने एक बर्तन लिया, बर्तन में मैंने 1 ग्लास पानी डाल दिया। हल्का पानी गुनगुना होने के बाद मैंने पोहा को डाल दिया। पोहा डालने के बाद जो हमारा खजूर था उसको भी हमें पोहा में डाल देना है। खजूर डालने के बाद मैंने थोड़ा सा काओ मिल्क ऐड करा है इसमें। अगर आप चाहे तो बिना काओ मिल्क भी बना सकते हैं सिर्फ वाटर में। मिल्क डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से चलाया। हम इसको अच्छे से चलाते रहेंगे, गैस को हल्का लो फ्लेम में रखेंगे और हमें इसको पकने के लिए 3 से 4 मिनट के लिए रख देंगे। डालने के बाद हम इसको अच्छे से चलाते रहेंगे, हल्का गैस को लो फ्लेम में रख देंगे और हम इसको 3 से 4 मिनट पकने के लिए रख देंगे। देख सकते हैं हमारा 2 मिनट तो हो चुका है और पोहा हमारा जो है अच्छे से पक भी चुका है। अब और हमें इसको 1 मिनट पकाना पड़ेगा। तो हम इसमें जो हमारा सेब था उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट दिया था, देख सकते हैं। अब उसको हमें इसमें ऐड कर देना है क्योंकि हमें सेब को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं था, तभी मैंने इसको लास्ट में डाला है। सेब को डालने के बाद हम इसको 1 मिनट जितना अच्छे से पकने के लिए रख देंगे।
ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, आप ज़रूर ट्राई करना। आप 1 महीने तक बेबी को खिलाते हैं तो आपको रिजल्ट पता चल जाएगा, क्योंकि पोहा जो होता है बेबी के वेट गेन में सबसे ज़्यादा तेज़ी से मदद करता है। मैं भी अपने बेबी को हफ्ते में 4 बार ये रेसिपी खिलाती हूँ। आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी खिला सकते हैं और इवनिंग टाइम में भी ये रेसिपी खिला सकते हैं। देख सकते हैं 1 मिनट हो चुका है और जो हमारा एप्पल था हल्का पक चुका है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। देख सकते हैं हमारा जो रेसिपी था वो ठंडा हो चुका है। अब हम सारे चीज़ों को ग्राइंड कर देंगे। देख सकते हैं ग्राइंड करने के बाद हमारा बेबी का प्यूरी बन के रेडी है। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है बेबी के लिए और तेज़ी से बेबी का वेट भी गेन करता है और अच्छी भी नींद देता है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।